प्रयागराज में किन्न समाज ने अबीर गुलाल उड़ाए, साथ ही एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली। किन्न वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य कौशल्यानंद गिरी ने इंद्रपुरी बैरहाना स्थित आवास पर शिष्यों के साथ फूलों की होली खेलते हुए सभी शिष्यों, श्रद्धालुओं और देशवासियों को बधाई दिया। किन्न महामंडलेश्वर ने शिष्यों को अबीर गुलाल लगाते हुए होली पर्व की बधाई दी। सभी ने एक दूसरे पर गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, चमेली सहित अन्य फूलों की वर्षा की। इस दौरान होली गीत भी सभी लोग गाते रहे। महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी, टीना माँ, ने कहा कि सनातन धर्म में रंगों का विशेष महत्व है। अगर रंगों के पर्व होली की बात की जाए तो ये सबसे उत्तम और लोगों के मेल जोल को बढ़ाने और संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाला है। महामंडलेश्वर ने कहा कि सनातन धर्म के समृद्धि और प्रगाढ़ता का ये होली पर्व त्योहार है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और आपसी वैमनस्य को भूलकर आगे बढ़ते हैं। जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये होली का त्यौहार है। तो हमारे आज मेरे आश्रम में बहुत सारे हमारे किन्नर बच्चे लोग आए और सबसे पहले हम लोग बहुत जरा माँ के सिर चरणों में गुलाल चढ़ाया और पंखुड़ी चढ़ाया गुलाब की, और हमारे आराध्य देव शिव भगवान के सिर चरणों में चढ़ाए। उसके बाद में हम लोग ने एक दूसरे का रंग लगाते हुए हम लोग ने बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये रंगों का त्यौहार है। जैसे सारे रंग से ही होली खेला जाता है, वैसे ही समाज का एक रंग किन्नर समाज भी है। तो हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में आके समाज के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि डबल हम लोग खुशी इसलिए हैं कि 500 बरस के बाद राम लाला का भव्य मंदिर बना, इसलिए भी हम लोग डबल खुशियाँ के साथ आज होली खेला और बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों का होली का हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूँ। फूलों की होली खेलने में किन्न अखाड़ा की श्रीमहंत संजनानंद गिरी, शोभा, नैना, मनीषा, शीतल, स्नेहा, शिवानी, राधिका, आशा सहित बड़ी संख्या में शिष्य उपस्थित थे।